नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के सभी 2555 एसएमसी अध्यापक साथियों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप शिमला जरूर आए, हमारा साथ जरूर दें। कहते हैं जब आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो आप कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। जितने भी समस्त अध्यापक साथी हैं, हमारा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अधिक से अधिक तादाद में शिमला आए और सरकार को एक पॉजिटिव मैसेज दे, विधानसभा का घेराव करें, जन आक्रोश रैली। बजट में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, ये तो ना के बराबर है। जिस तरह का क्रमिक अनशन का आज 23वां दिन है, हम यहाँ पे बिल्कुल लगातार शिमला में बैठे हैं और इस अनशन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, ताकि इससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, कोई हमारे लिए स्थायी नीति निकले, नियमितीकरण की जो मांग हमारी है उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए। और कल मैं पूरे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वो मेल अध्यापिका है, फीमेल है, सबसे अनुरोध रहेगा कि आप शिमला आइए और इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाइए और उसके बाद जरूर सरकार हमारा कार्य करेगी, और नहीं तो आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य आपस में विचार विमर्श करके आगे क्या रणनीति रहने वाली है, लेकिन वो भी तभी निर्णय लेंगे अगर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो एक बार फिर, क्योंकि एक्सक्यूजेज हम नहीं होने चाहिए, अपने लिए एक बार एक समय निकालिए, एक दिन निकालिए और ज़रूर आप सभी लोग शिमला की ओर आइए। जैसा कि मौसम कुछ भी हो, जैसा भी हो, हालात परिस्थितियाँ जो भी हो, उन हालातों से हमें लड़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तभी हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। कहते हैं ना कि अगर आप कठिनाइयों को पार करते हैं तभी आप सफल होते हैं, और इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ एक आपके अंदर मोटिवेशन, हम सब लोगों के अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि हम अध्यापक हैं और शोषित जरूर हुए हैं, हमारे साथ हमारा शोषण हुआ है 12 वर्षों से, लेकिन इस शोषण को से पार पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ज़्यादा न कहता हुआ एक बार फिर आप सभी लोग शिमला आए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।